नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टॉक तो जी के सामने। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट लाता हूँ, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। आज का हमारा शेयर है भारती एयरटेल। इस शेयर की बात करें तो ये शेयर पिछले काफ़ी टाइम से इसमें काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज इसमें सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया। उसके पीछे एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट और न्यूज़ है, तो उसकी बात करेंगे और साथ के साथ इसके टारगेट की बात करेंगे। क्या ये शेयर यहाँ से बाउंस बैक करके फिर से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर थोड़ी बहुत ऊपर जाकर फिर से वहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरा डिटेल मिल सके, एक भी डिटेल आपसे मिस ना हो पाए। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल। 541.70 रुपये पर आज ये शेयर क्लोज हुआ है। अगर ग्रोथ की बात करें तो 1.79% की ग्रोथ के साथ इस शेयर ने आज अपनी क्लोजिंग की दी है। जबकि अगर इसके आज के हाई की बात करें तो 544 रुपये का इसने हाई बनाया था, ओपन हुआ था 540 रुपये पे। जबकि अगर प्रीवियस क्लोज की बात करें तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी बड़ी गैप ओपनिंग देखने को मिला, 532.20 रुपये भी ये शेयर क्लोज हुआ था प्रीवियस यानी कल के डेट में, लेकिन आज ये शेयर ओपन हुआ 540 रुपये के ऊपर, यानी कि आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग होते हुए दिख गई थी। अगर इसके लो की बात करें तो 528.85 रुपये तक इसने अपना लो बनाया था, यानी जहां ओपन हुआ था उसके भी नीचे गया था, लेकिन बाद में काफ़ी अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल गया था। दोस्तों अगर इनके 52 वीक हाई और लो की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 52 वीक लो 361.75 रुपये का बनाया था इसने 19 मार्च 2020 को, जबकि अगर 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 623 रुपये का बना था, जो कि 4 फरवरी 2021 को बनाया था इस शेयर ने। अगर इनकी आज के डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 31.44% की डिलीवरी उठाई गई है, जबकि अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो आप देखेंगे 94,50,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस उठाई गई है, यानी कि लोग इस शेयर को लेकर फिर से बुलिश होना स्टार्ट कर दिए हैं। तो देख लेते हैं और ज़्यादा डिटेल। तो दोस्तों अगर पिछले 4 सालों का इनका डेटा देखें, यानी कंपनी को क्या रेवेन्यू हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ आने दिख रही कि नहीं दिख रही, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे अगर रेवेन्यू की बात करें पिछले 4 सालों का, जो कि 1,000 करोड़ में इनका प्रॉफिट इंक्लूडिंग, तो आप देखेंगे इसमें जो रेवेन्यू है वो धीरे 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 घट रही थी, लेकिन फिर से अचानक से बाउंस बैक भी आना स्टार्ट हो गया। यानी इस साल इस शेयर में बाउंस बैक देखने को मिला इनके रेवेन्यू में, जो कि पिछले साल काफ़ी कम हुआ करता था। तो देख लेते हैं प्रॉफिट की बात। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 2017 में इन्हें हो रहा था 3.79 का, जबकि 2018 में वो प्रॉफिट कम होकर हो गया 1.09 का, 2019 की बात करें 0.40 का, यानी कि प्रॉफिट लगातार कम होता होता इस साल इन्होंने अपना लॉस बुक किया। लॉस की बात करें तो अब देखेंगे 32.18 का है कंपनी को प्रॉफिट, जो कि कंपनी पिछले 4 साल पहले प्रॉफिट जनरेट कर रही थी वो लॉस में आ गई। तो आप सिर्फ लॉस या प्रॉफिट देखकर नहीं, इसके आगे का अगर फ्यूचर आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको क्लियर हो सके कि इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों अगर न्यूज़ की बात करें, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि न्यूज़ के कारण इस शेयर में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिला, नहीं तो ये शेयर आज भी गिरने वाला था। तो देख लेते हैं डिटेल क्या बनता है और वो न्यूज़ क्या था कि जिसके पीछे और उसका इफेक्ट इनको लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप देखेंगे इन्होंने एक्वायर किया, यानी कि भारतीय एयरटेल की बात करें तो इन्होंने एक्वायर किया है रेडियो वेव्स का। उसमें प्राइजिंग की बात करें तो आप देखेंगे 18,699 करोड़ का, यानी काफ़ी बड़ी डील है जो कि इन्होंने स्पेक्ट्रम एक्शन के थ्रू लिया है। अगर उसमें बात करें इनको क्या प्रॉफिट होने वाला है तो आप देखेंगे इसमें जो 5G जो कि कंपनी लाने वाली है उसमें काफ़ी फायदा मिलेगा इस डील का। तो इसीलिए इस कंपनी का आज काफ़ी तेजी से, यानी कि जो ग्रोथ देखने को मिला उसके पीछे का ये रीजन था, और ये रीजन आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में भी इनको फायदा देगा। जब ये 5G लाएंगे उस टाइम यह कंपनी आपको इस जो डील आज कर रहा है उसका फायदा आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिल जाएगा। तो देख लेते हैं और डिटेल। अगर इनके स्टॉक प्राइस के CAGR की बात करें तो आप देखेंगे 10 साल में 6% का रिटर्न। हालांकि ये जो सेक्टर है ये हमेशा से अंडर प्रेशर रहा है, चाहे तो आप लॉन्ग टर्म की बात करें चाहे आप शॉर्ट टर्म की बात करें, तो उसी हिसाब से आप देख लेते हैं डिटेल। 5 साल में 12% का डिटेल रहा है रिटर्न रहा है, जबकि अगर 3 साल की बात करें तो 11% का है, 1 साल की बात करें तो सिर्फ 3% का डिटेल्स रहा है। दोस्तों अगर इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो
तो अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं इसका मतलब कि शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ रहती है। अगर वही प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं सैडनेस हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल। मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2018 से कंपेयर करूँगा दिसंबर 2018 में। दोस्तों थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पर कंपेयर करने में ये फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछले 1-2 सालों में जो प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, तो ताकि ये पता हो चल सके कि क्या लॉन्ग टर्म में कहीं ऐसा ना हो कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं। तो देख लेते हैं डिटेल। अगर आप देखेंगे 2018 में तो 67.14 करा है, जबकि अगर 2020 की बात करें तो 56.23 करा है, यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की हुई है यहाँ पे। लेकिन वहीं अगर बात करें बाकी के, यानी कि FIIs और DIIs की, तो आप देखेंगे FIIs की बात करते हैं तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम की हुई है, जबकि अगर DIIs की बात करें तो DIIs लगातार इसमें अपनी माल बढ़ाते जा रहे हैं, यानी खरीदते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये शेयर काफ़ी तेज़ी से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म में भी हमने डिटेल देखा, कुछ खास डिटेल देखने को नहीं मिला था। तो ये पूरा सेक्टर ही वैसा है, तो शॉर्ट टर्म में इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए इंक्लूड हुआ जा सकता है, पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना मेरे ख्याल से इस शेयर में तो उतना ज़्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा AGR का भी इन लोगों के ऊपर अभी जो फाइन लगा हुआ था वो अभी भी बना हुआ है, अभी वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर बात करें इनके चार्ट की, तो चार्ट पे इस टाइम ये शेयर 541.85 रुपये जब चल रहा है, तो अगर इसमें खरीदारी की बात करें तो मुझे लगता है कि 535 रुपये के आसपास अगर ये शेयर मिलता है तो आपको कम से कम 2-3 महीने के लिए होल्ड करने लायक मिल जाएगा। लेकिन अगर ये शेयर यहाँ से और ऊपर जाता है तो क्या हमें खरीदारी करनी चाहिए? दोस्तों अगर खरीदारी करनी है तो 2 महीने 6 महीने तक भी होल्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 10 साल 20 साल के लिए इस शेयर को होल्ड करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं होगा इस शेयर का। तो इसीलिए इस शेयर में अगर आपको खरीदारी करनी है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि दोस्तों ये पूरा सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और कोई भी अगर कुछ नया लेकर आता है तो उसमें सभी को अपने रेट से कम करने पड़ जाते हैं, और जब से रेट अपना कम करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लॉस का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये पूरा सेक्टर मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट होगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप इंक्लूड हो सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 585 रुपये तक का भी टारगेट आपको कम से कम 1-2 महीने में देखने को मिल जाएगा, तो उस टारगेट के लिए अभी शेयर में इंक्लूड हो सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 535 रुपये का आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने टारगेट बताया ये काफ़ी इनके लिए सपोर्ट साबित होगा, तो ये जो स्टॉप लॉस है इसको मानकर आप होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो 528 रुपये का भी एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट है इनके लिए, तो 528 रुपये के सपोर्ट को लेकर 585 के टारगेट के लिए इस शेयर को होल्ड किया जा सकता है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो आपका खुद का रिस्क होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।